हेलो गाइस, स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध रामलीला ग्राउंड में और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और यहाँ पे 3 तारीख से यहाँ पे रामलीला का मंचन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई मेले वेले भी बाकायदा पूरी तरीके से लग चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रामलीला है ना वो 14 तारीख तक चलने वाली है। कौन कौन आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। ऐसा कहा जाता है कि भाई इसी मंच से गोस्वामी तुलसीदास ने रामलीला का मंचन शुरू किया था। वो सदियों पुरानी माना जाता है कि भाई 500 साल पुरानी ये रामलीला इसी जगह पे हर साल की बात इस बार भी की जा रही है। तो दोस्तों, चलिए आइए आगे चलते हैं और यहाँ पे किस तरीके का मंच बनाया गया है, कहाँ के कलाकार आए हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पे यदि आप आएंगे रामलीला देखने के लिए तो आपको एंट्रेंस गेट इस तरीके का कुछ देखने को मिल जाएगा। 2 नंबर गेट से फ़िलहाल हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर से भी जा सकते हैं, 3 नंबर से भी जा सकते हैं, 1 नंबर से भी आप एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर बाइक वाइक की बात करें तो खड़ी करने के लिए भाई काफ़ी अच्छी सुविधाएँ दी गई हैं, वो भी एकदम निःशुल्क, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं। गैस, रामलीला समिति के जो अध्यक्ष हैं हरीश चंद्र अग्रवाल, उन्होंने बताया कि भाई 3 तारीख को यहाँ पे रामोत्सव मंचन स्टार्ट कर दिया गया था, यहाँ पे रामलीला स्टार्ट कर दी गई थी। और सबसे पहले यहाँ पे 3 तारीख को सुबह गणेश पूजन किया गया था, उसके बाद में रामलीला के अभिनय करने वाले कलाकारों का भी पूजन किया गया था, दोपहर में सुंदरकांड का पाठ किया गया था। 14 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन प्रतिदिन शाम 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक होगा। समिति की ओर से 12 तारीख को भाई यहाँ पर बड़ी धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। 12 अक्टूबर को रावण वध की लीला के बाद आतिशबाजी व पुतला दहन होगा। 13 को राज्याभिषेक होगा। 14 अक्टूबर की शाम को राजा राम अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ नगर दर्शन यात्रा पर निकलेंगे। रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकार को भाई कलकत्ता से इन्हें बुलाया गया है मंचन करने के लिए। तो आइए चलते हैं और आपको इनकी प्रस्तुति दिखाते हैं। मुझे माजगर अपने पुरुषों की सभा में पिंडा का पात्र नहीं बनोगे, मेरा होता तो कोई बैर नहीं करा। फिर किस कारण इस गरीब इतना प्यारा हो गया और मैं आपका, तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा व्रत करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। अपने वचन मेरा
की शरण में आए हुए एक प्राणी को वध करने का कलंक रघुकुल की कीर्ति को मिट्टी में मिला देता है। इसी कारण मैंने शत्रु संहार कांड नहीं छोड़ा और तुम्हें इतना कष्ट देना पड़ा। ये तो चमत्कार हो गया प्रभु, मुझे आपके स्पर्श करने से ही मेरी पिछली सारी पीड़ा सब दूर हो गई। एक नवीन उत्तार शक्ति के विरुद्ध प्रभा का संचार होने लगा। मेरे प्रभु श्री राम सुखधाम के वृद्धहस्त से मृत शरीर में भी स्वास्थ्य संचार हो सकता है। श्री राम जी में अपने भाव है। हनुमान हमें इस रोग से परे पारलौकिक न बना, ये तो केवल एक मित्र के लिए एक मित्र का सत्य स्नेह और सद्भावना का प्रभाव है। वानरराज सुग्रीव तो केवल एक मित्र ही नहीं, इस समय हमारे आशीर्वादा भी है। मित्र वत्सल, मेरे प्यार आपके अधीन है, ऐसा कहकर मुझे लज्जित न करें। अब मुझे आदेश दें, मेरे लिए क्या कर रहे हैं प्रभु? अन्यायी अधर्मी बाली का प्रतिकार पुनः उसे युद्ध की लंका। लक्ष्मण जी भैया, निशानी के लिए तुम्हें पुष्पमाला सुग्रीव के गले में पहना जिससे हम दोनों को पहचान सके। जो तो दोस्तों, कौन कौन इस रामलीला में आ रहा है रावण वध देखने के लिए और रामलीला देखने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारा यदि चैनल आपको अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि अपने चैनल पर इस तरीके की वीडियोज़ लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।